कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए CGPSC पाठशाला क्लासेस को और करें अपने CGPSC एंड व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड दी ऐप नाउ। हेलो स्टूडेंट, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC पाठशाला में। CGPSC पाठशाला में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ, जो उनकी प्रारंभिक परीक्षा हुई है, उसके क्वेश्चन के संभावित आंसर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अभी के जो लेक्चर में मैं आपको जो आंसर बताने वाला हूं, ये संभावित उत्तर है, इसे प्रमाणित नहीं मान सकते। जब तक जो है आपके ऑफिशियल आंसर की जारी नहीं हो जाते, जब तक आपके मॉडल आंसर की जारी नहीं हो जाते, तब तक आप किसी भी उत्तर को प्रमाणित नहीं मान सकते। कुछ संभावित उत्तर आपको आज के इस लेक्चर में बताऊंगा। केवल जीएस वाले पोर्शन को हम कवर करेंगे, यानी कि भारतीय सामान्य अध्ययन, छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन, हिंदी, कंप्यूटर, ये टॉपिक को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, उसके आंसर को आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। देखिए, वीडियो के दौरान आपको बैकग्राउंड में थोड़े बहुत कुछ नॉइस आ रहे होंगे, यहीं पे पास में सामाजिक कार्यक्रम चल रहा है, ठीक है, जिसके कारण हो सकता है कि बीच बीच में आपको थोड़े से वॉइस इधर उधर के सुनने के लिए मिले, उसे थोड़ा सा निग्लेक्ट कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले हम भारतीय सामान्य अध्ययन को कवर करेंगे। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन था कि दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। ऑप्शन ए अपकेंद्रीय बल, ऑप्शन बी अभिकेंद्रीय बल, ऑप्शन सी गुरुत्वीय बल और ऑप्शन डी है आपका बाह्य बल। ठीक है, चार ऑप्शन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। दूध से क्रीम निकालने के लिए आपका अपकेंद्रीय बल लगता है। अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अपकेंद्रीय बल क्या होता है? देखिए, अपकेंद्रीय बल का मतलब होता है जब कोई गतिशील वस्तु जिस पर जो है आपके बाहर की ओर बल लग रहा हो, यानी कि घरों में जो आपके वॉशिंग मशीन यूज होते हैं, अगर उसमें आप कपड़ा धोएंगे और मशीन चालू करेंगे तो उसमें बाहर की ओर बल लगता है, वैसे ही दूध से क्रीम निकालने के लिए दूध को मथा जाता है। जब दूध को मथते हैं तो उसमें भी जो है बाहर की ओर बल लगता है। तो जब किसी गतिशील वस्तु पर बाहर की ओर बल लगता है तो उसे कहा जाता है अपकेंद्रीय बल। तो दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया में जो है आपके अपकेंद्रीय बल लगता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी विधेयक पर राष्ट्रपति के निषेधाधिकार को निरस्त करने के लिए किस बहुमत की आवश्यकता होती है? तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, साधारण बहुमत, निरपेक्ष बहुमत और दो तिहाई बहुमत। देखिए, ये है क्या, यहां बोला जा रहा है राष्ट्रपति का निषेधाधिकार। राष्ट्रपति का निषेधाधिकार का मतलब क्या होता है? जो राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपने वीटो पावर को यूज करता है। तो राष्ट्रपति ने किसी विधेयक पर अपने वीटो पावर को यूज किया है और उसे अगर संसद जो है उसे निरस्त करना चाहता है तो निरस्त करने के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है पूछा जा रहा है। तो ध्यान दीजिए, इसमें दो तिहाई सदस्यों के बहुमत की आवश्यकता होती है। यानी कि राष्ट्रपति अगर किसी विधेयक पर अपने विशेषा अपने जो है निषेधाधिकार को उसने अगर प्रयोग किया हुआ है और संसद उसे अगर निरस्त करना चाहता है तो उसे जो है दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, FHI वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 में भारतीय हॉकी टीम का रैंक क्या था? ठीक है, ये जो आपका FHI है इसके वर्ल्ड रैंकिंग के अनुसार जून 2022 की स्थिति में जो भारतीय, यहां पे ध्यान दीजिएगा, पुरुष टीम पूछा है, भारतीय पुरुष टीम की रैंक क्या थी? तो ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा आपका चौथा। भारतीय पुरुष टीम जो है आपके फोर्थ पोजीशन पे रही। अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि महिला टीम, ठीक है, महिला टीम कौन से स्थान पर रही, तो महिला टीम जो है ये सिक्स्थ पोजीशन पर रही और फर्स्ट पोजीशन पे पुरुष टीम में थे आपके ऑस्ट्रेलिया। कौन से थे? आपके ऑस्ट्रेलिया। जबकि अगर महिला कैटेगरी में पूछेगा महिला कैटेगरी में फर्स्ट कौन सी टीम थी, तो महिला कैटेगरी में फर्स्ट टीम थी आपकी नीदरलैंड। ठीक है, नीदरलैंड। ठीक, तो देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, FHI वर्ल्ड रैंकिंग जून 2022 तक की स्थिति में कौन सा मतलब भारतीय पुरुष टीम का क्या रैंक था? तो भारतीय पुरुष टीम का रैंक चौथा था, महिला की जो रैंक थी वो थी आपकी छठवीं। ठीक, महिला जो आपकी टीम थी उनकी रैंक कौन सी थी? छठवीं। पुरुष कैटेगरी में जो आपकी हॉकी टीम की अगर बात की जाए तो फर्स्ट पोजीशन पे ऑस्ट्रेलिया और लास्ट पोजीशन पे था नीदरलैंड। देखिए, डिटेल में डिस्कस इसलिए कर रहा हूं, हो सकता है कि आगामी कोई भी एग्जाम हो तो इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन जाए तो उसके आंसर छूटने नहीं चाहिए, इसलिए थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हुए चल रहा हूं। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध डैश में है। ठीक है, दुनिया के विभिन्न बड़े बांधों का लगभग 57% बड़े बांध डैश में है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया भारत, ऑप्शन बी जापान भारत, ऑप्शन सी रूस भारत, ऑप्शन डी ब्राजील और चीन। ठीक है, देखिए ये जो है ये है आपके चीन और भारत में, यानी कि दुनिया में जितने भी बड़े बांध है उसके 57% जो बड़े बांध है वो आपके भारत और चीन में है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाँ,
कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हुए होंगे। इसमें जो है एक तरफ नाम दिया है और उससे जुड़े हुए यहां पे संस्था के नाम, एसोसिएशन के नाम दिए गए हैं। अब इसमें पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक जोड़ी सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है जमनालाल बजाज सत्याग्रह आश्रम वर्धा, ऑप्शन बी है दादा भाई नौरोजी बंबई एसोसिएशन, ऑप्शन सी है लाला लाजपत राय नेशनल स्कूल लाहौर, और ऑप्शन डी है आपका बाल गंगाधर तिलक। देखिए इसमें ना कंफ्यूजन क्या होगा, सबसे पहले ये जो सत्याग्रह आश्रम है, ठीक है, सत्याग्रह आश्रम के साथ यहां पे क्या लिखा हुआ है, वर्धा। दो सत्याग्रह आश्रम है, एक सत्याग्रह आश्रम था कहां पर, आपके अहमदाबाद में, जिसकी स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, और दूसरा आपका सत्याग्रह आश्रम है वर्धा। ध्यान दीजिएगा इसमें क्या पूछा है कि जोड़ी सुमेलित नहीं है, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं पूछा है। अगर आप नेट में सर्च करेंगे तो सत्याग्रह आश्रम की स्थापना किसने की थी, वो किया गया था आपके विनोबा भावे के द्वारा, ठीक है, विनोबा भावे जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी जो है इन्होंने बंबई एसोसिएशन की स्थापना की, ये भी सही है। तीसरा लाला लाजपत राय जी के द्वारा नेशनल स्कूल लाहौर की स्थापना की गई है। अगर आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको नेशनल स्कूल नहीं नेशनल कॉलेज लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है, नेशनल कॉलेज लाहौर, और इसी नेशनल कॉलेज लाहौर में जो है आगे भगत सिंह जी ने पढ़ाई भी की थी, ठीक है। लाला लाजपत राय जी के द्वारा नेशनल कॉलेज लाहौर की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, सत्यशोधन समाज। ध्यान दीजिएगा सत्यशोधन समाज जो है इसके संस्थापक थे आपके ज्योतिबा फुले, कौन थे, ज्योतिबा फुले। अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको दो जोड़ी आपके सुमेलित नहीं दिख रही है, कौन कौन सा, एक तो बाल गंगाधर तिलक वाला और दूसरा आपका सत्याग्रह आश्रम वाला। लेकिन ध्यान दीजिएगा जो जमनालाल बजाज है, जमनालाल बजाज जी ने जाकर के अहमदाबाद में महात्मा गांधी से आग्रह किया था कि वो वर्धा वाले क्षेत्र में आकर के भी एक आश्रम की स्थापना करे। महात्मा गांधी जी के द्वारा कहने जाने पर विनोबा भावे आपके वर्धा में पहुंचे और यहां पर आकर के उन्होंने आश्रम की स्थापना करी, सत्याग्रह आश्रम वर्धा। यानी कि अगर बात किया जाए कि सत्याग्रह आश्रम वर्धा की स्थापना किसके सहयोग से हुआ है, विनोबा भावे और जमनालाल बजाज दोनों के प्रयासों से इस आश्रम की स्थापना हुई है, ठीक है। अगर इसका आंसर लेना होगा तो आंसर क्या होगा, बाल गंगाधर तिलक सत्यशोधन समाज, क्योंकि सत्यशोधन सभा के संस्थापक कौन थे, ज्योतिबा फुले, ठीक है, इसका आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस गैस को भारत सरकार द्वारा प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम द्वारा उत्सर्जित करने की अनुमति नहीं है, ठीक है, यानी कि प्रदूषित गैसों की सूची में शामिल है ऐसा कहा जा रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ऊपर के सभी, ठीक है, इसका आंसर होगा आपके उपरोक्त सभी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, स्वदेशी आंदोलन वर्ष 1905 की शुरुआत हुई थी, ऑप्शन ए बंगाल विभाजन के विरोध में, ऑप्शन बी भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, ऑप्शन सी जलियांवाला बाग में भारतीयों की हत्या के विरोध में, ऑप्शन डी भारत में एक उत्तरदायी सरकार बना सकने में ब्रिटिश सरकार की असफलता के कारण, ठीक है, ये चारों ऑप्शन दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा जो स्वदेशी आंदोलन की जो शुरुआत है ये भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार और देशी स्वदेशी वस्तुओं के उपभोग यानी कि भारतीय माल के उपभोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस आंदोलन की शुरुआत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खाओ पियो खुश रहो, खाओ पियो खुश रहो किसका नैतिक आदर्श वाक्य है, ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी चार्वाक, ऑप्शन सी बौद्ध, ऑप्शन डी योग, ठीक है, यहां पे दर्शनों की सूची दी गई है। तो देखिए खाओ पियो खुश रहो जो है ये आपका चार्वाक दर्शन से प्रेरित है, चार्वाक जो कि भौतिकवाद को समर्पित है, किसे समर्पित है, भौतिकवाद पर यह जोर देता है। तो ये जो खाओ पियो खुश रहो ये किसका नैतिक आदर्श वाक्य है, ये चार्वाक दर्शन से प्रेरित है, किससे प्रेरित है, चार्वाक दर्शन से प्रेरित है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को शामिल कर लिया जाए तो यह बराबर होगा, यह सिंपल एक डेफिनेशन था जो अगर आप इंडियन इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो उसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। प्राथमिक घाटे में अगर ब्याज भुगतान को शामिल कर दिया जाए तो यह बराबर होगा बजट घाटे के, राजकोषीय घाटे के वित्त व्यवस्था के और आगम घाटे के, इसका आंसर होगा आपका राजकोषीय घाटे के, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर होगा आपके राजकोषीय घाटे के, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका सुपर कंप्यूटर, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत किस राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्था में
परम अनंत सुपर कंप्यूटर चालू किया गया है। ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास, ऑप्शन सी आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन डी आईआईटी बॉम्बे, ठीक है आईआईटी मुंबई। तो ये जो है ये स्थापित किया गया है आपके आईआईटी गांधीनगर यानी कि गुजरात में, ठीक है आईआईटी गांधीनगर गुजरात में इसकी स्थापना की गई है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका मुगल साम्राज्य में नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था। मुगल साम्राज्य में नील की खेती से आप भली भांति परिचित है। नील उत्पादन का सबसे प्रसिद्ध क्षेत्र था, ऑप्शन ए लाहौर, ऑप्शन बी मालवा, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी बायना। देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बायना। बायना जो है ये भरतपुर जिला राजस्थान में स्थित है, ठीक है। ये जो है आपके नील के उत्पादन के लिए काफी फेमस था। इसे जो है मुगल साम्राज्य में ये बायना को नील की मंडी भी कहा जाता था, ठीक है नील मंडी के नाम से ये फेमस था, ठीक है इंपॉर्टेंट है याद रख लेना, हो सकता है कि आगामी किसी एग्जाम में इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन बन जाए। नेक्स्ट देखिए, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? बंदरगाहों का विकास, आधारिक संरचना का विकास, उद्योगों का विकास, कृषि का विकास, ठीक है। देखिए प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना ये आपका 1951 से लेकर के 1955 के मध्य चला। इस समय जो है भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है ये प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। ये जो है आपके हेरोड डोमर मॉडल पर आधारित था, ठीक है। इसी समय जो है हमारा भारत देश आजाद हुआ था और हमारे भारत का संविधान लागू हुआ था। भारत के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक विशाल जनसंख्या जिसका पेट पालना था, तो मुख्यतः इसमें फोकस किया गया था कृषि के विकास पर, ठीक है, ताकि यहाँ की जो जनता है, जो गरीब जनता थी उस समय की, उसका पेट भरा जा सके। तो कृषि विकास पर इस समय जो है मुख्य रूप से जोर दिया गया। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और आपका नियंत्रक महालेखा परीक्षक की क्या समानता या समानताएं हैं? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी वेतन, पॉइंट नंबर थ्री पद चुक्ति, और ऑप्शन पॉइंट नंबर फोर कार्यकाल। इसमें बोल रहा है कि क्या क्या समानताएं हैं भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और CAG नियंत्रक महालेखा परीक्षक के मध्य। देखिए अगर हम बात करें तो जो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दोनों की जो नियुक्ति है ये भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ठीक है। दोनों का वेतन भी आपका समान होता है, और बात होती है आपके पद चुक्ति की, तो दोनों को यानी कि आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की जो प्रक्रिया है वही प्रक्रिया नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने की भी है, ठीक। लेकिन ध्यान देंगे कार्यकाल के बारे में, तो यहां पर जो है आपके सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जज है उनका कार्यकाल होता है आपका 65 वर्ष, ठीक है, उनका कार्यकाल होता है आपका 65 वर्ष, जबकि CAG का जो कार्यकाल होता है ये 6 वर्ष या आपका 65 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो, ठीक है 6 वर्ष या 65 वर्ष दोनों में से जो भी पहले हो ये इनका कार्यकाल। यानी कि इसमें अगर आप देखेंगे तो इनका जो उम्र है 65 साल का होगा तो वो ऑटोमेटिकली रिटायर हो जाएंगे, ठीक है, जबकि इसमें जो कार्यकाल है वो रहता है आपका 6 वर्ष या 65 वर्ष। तो इसका ऑप्शन होना चाहिए 1, 2 और 3, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर? 1, 2 और 3। देखिए मैं बता रहा हूँ ये सभी के सभी संभावित आंसर है, जब तक इसका फाइनल आंसर की जारी नहीं होता तब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। हो सकता है कि आप लोग के पास कुछ सोर्स हो और आप लोग का आंसर डिफर करे। इसका आंसर क्या बताया मैंने? इसका आंसर है 1, 2, 3, यानी कि नियुक्ति, वेतन और पदचुक्ति, ये तीन समानताएं हैं इनमें, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका 1891 आयु सहमति अधिनियम के प्रति तिलक जी की क्या प्रतिक्रिया थी? देखिए ये जो आपका 1891 में जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा आयु सहमति अधिनियम लाया गया था, आयु सहमति अधिनियम था क्या? देखिए आयु सहमति अधिनियम जो कि आपका इसमें लड़कियों की आयु 10 साल से बढ़ा करके इसे 12 साल किया गया। अब ये आयु था क्या? ये आयु था आपका संभोग सहमति, संभोग यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप। कोई भी आपकी लड़की
विवाहित या अविवाहित महिला, ठीक है, लड़की विवाहित या अविवाहित महिला जिसकी आयु 12 साल हो चुकी है, वो अपने सहमति से किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपका संभोग के लिए सहमति दे सकती है। इसका जो है, भारत के सभी बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था, ठीक है, भारत के सभी बड़े नेताओं ने इनका विरोध किया था। क्यों? क्योंकि इसमें लड़कियों को, यानी कि नाबालिग लड़की, अविवाहित लड़कियों को भी शामिल किया गया था। इसमें जो है कहा गया था उनके द्वारा कि बिना शादी के, ठीक है, बिना शादी के जो है आपके संभोग की सहमति देना, यानी कि सेक्सुअल रिलेशनशिप बनाना, ये सरासर आपका, यानी इसका जो है सभी बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया था, ठीक है। तो ये जो आपका 1891 में आया था आयु सहमति अधिनियम, जो कि 1930 या 1950 के आसपास उसे रद्द कर दिया गया था, ठीक। वैशेषिक सूत्र किस ऋषि के द्वारा लिखे गए हैं? ऑप्शन ए कपिला, ऑप्शन बी शंकर, ऑप्शन सी कणाद और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, इसका आंसर होगा आपका कणाद। ये तो काफी सिंपल था, अगर आप छह जो है आप दर्शन पढ़े होंगे, ठीक है, अलग अलग दर्शन है, वैशेषिक दर्शन है, आपका योग दर्शन है, ठीक। तो ऐसे जो अलग अलग जो छह प्रकार के दर्शन है, षड़ दर्शन है, उसके प्रतिपादक कौन है, उसके सूत्रधार कौन है, उनके नाम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। इससे जो है पीएससी में भी एग्जाम, पीएससी एग्जाम में भी जो है क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आस्तिका, आस्तिका दर्शन। आस्तिका दर्शन किस में विश्वास रखता है? वेदों के अधिकार पर, देवताओं का अधिकार, कर्म का अधिकार, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, जो आस्तिका दर्शन है, आस्तिका दर्शन वेदों के अधिकार, वेदों के अधिकार पर जो है ये विश्वास रखता है। इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, यूनिक क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है सदन की सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। सदन के सदस्यता के संदर्भ में सुमेलित नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सदन का सदस्य नहीं होता? पहला है लोकसभा अध्यक्ष, राज्य विधानसभा अध्यक्ष, राज्यसभा सभापति, राज्य विधान परिषद सभापति। तो देखिए, आप पढ़े होंगे, काफी बेसिक क्वेश्चन है ये जो है। राज्यसभा का जो सभापति होता है, राज्यसभा का सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है। ये उस सदन का सदस्य नहीं होता, राज्यसभा का जो सभापति है वो जो है सदन का सदस्य नहीं होता। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? राज्यसभा का सभापति, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में सत्य कथन है। भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि रिजर्व बैंक इंडिया के बारे में जो है कौन सा कथन सत्य है, पूछा जा रहा है। तो देखिए, रिजर्व बैंक इंडिया, इसकी स्थापना 1835 में हुई, भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 को किया गया, यह सामान्य बैंक व्यवसाय करता है, यह जो है एक रुपए के सिक्कों का निर्गमन एजेंसी है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना 1835 को हुई, ये गलत है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी। भारत सरकार के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, यह कथन सही है। यह सामान्य बैंकिंग व्यवसाय है, नहीं, यह भारत के जो कमर्शियल और आपके गवर्नमेंट सेक्टर के जो जितने भी कमर्शियल बैंक है उस पर यह नियंत्रण स्थापित करता है, यह बैंकिंग व्यवसाय नहीं करता, यह एक रुपए के सिक्कों का निर्गमन एजेंसी है, यह भी कथन गलत है। तो कौन सा कथन सही है इसमें? भारत सरकार के द्वारा आपके 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, पहले यह निजी हाथों में था, ठीक है, एक निजी संस्था था, वर्ष 1949 में जो है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस राजनीतिक संस्था पार्टी ने साइमन कमीशन का विरोध किया? साइमन कमीशन का विरोध किसके द्वारा किया गया? हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, पंजाब यूनियनिस्ट और भारतीय कांग्रेस, ठीक है। देखिए, साइमन कमीशन का जो है विरोध, इसका विरोध किया गया आपके पंजाब यूनियनिस्ट, ठीक है। साइमन कमीशन में ज्यादा बैकग्राउंड हिस्ट्री नहीं बता रहा हूं, कब आया था, क्या आया था, साइमन गो बैक के नारे किसने लगाए, किसकी मृत्यु हुई है, मैं कुछ भी डिटेल नहीं बता रहा हूं। इसमें ध्यान दीजिएगा, साइमन कमीशन का विरोध जो है आपके हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग, भारतीय कांग्रेस ने किया था, लेकिन दो संस्था ने इसका जो है समर्थन किया था। एक था आपका पंजाब यूनियनिस्ट, या इसे पंजाब संघवादी, ठीक है, पंजाब संघवादी के नाम से भी ये फेमस था, और दूसरा था आपके दक्षिण भारत में, ठीक है, साउथ में, आपका दक्षिण भारत में थे। एक था आपका जस्टिस पार्टी, ठीक है, जस्टिस पार्टी। इन दो संस्था ने जो है आपके साइमन कमीशन का समर्थन किया था, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक, यानी कि कमर्शियल सेक्टर के बैंक ग्राहकों को कोई ऋण नहीं देते हैं, कहलाता है बेस दर, प्रतिवर्ती रेपो दर और बैंक दर, ठीक है। आपके इंडियन इकोनॉमिक्स का ये पोर्शन है, ध्यान दीजिएगा।
इसमें क्या बोला जा रहा है कि अनुसूचीबद्ध यानी कि जो आपके जितने भी आपके अनुसूचित बैंक है, व्यावसायिक बैंक है, वो ग्राहकों को कोई ऋण देते हैं, ठीक है, कोई ऋण नहीं देते कहलाता है। किसके नीचे? वह ब्याज दर जिसके नीचे वो ऋण नहीं देते, उसका आंसर होगा आपका बेस दर। बेस दर जो है ये रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा ये डिसाइड किया जाता है, उसके नीचे कोई भी बैंक उसके नीचे जो है लोन नहीं देगा किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को। देखिए बैंकों के मध्य क्या होता है, कॉम्पिटिशन, सभी के सभी बैंक कम से कम ब्याज दर पर लोन देना चाहती है मार्केट में बने रहने के लिए, लेकिन एक बेस रेट डिसाइड किया गया है, उस बेस रेट के नीचे कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति विशेष या किसी भी संस्था या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऋण नहीं दे सकता, ठीक है। तो यह है आपका बेस रेट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व दर्ज करता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी है आपका मणिपुर। इसका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते थे, ये इसका जनसंख्या घनत्व था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन संवेत बैठते हैं, यानी कि यहां पे संयुक्त बैठक की बात किया जा रहा है, और दूसरा कहा जा रहा है क्या है, राज्य विधानमंडल। यहां पर बात किसकी हो रही है? राज्य विधानमंडल की। तो पहले चीज यह ध्यान देना कि राज्य विधानमंडल यानी कि विधानसभा और विधान परिषद में संयुक्त बैठक जैसा कोई भी प्रावधान नहीं है। राज्यों के विधानमंडल में सर्वोपरि निर्णय होता है किसका? राज्य विधानसभा का। तो देखिए यहां इसका आंसर क्या होना चाहिए, विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर राज्य विधानमंडल के प्रथम वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर, ठीक है। मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए आपका एक और दो, या एक भी हो सकता है, ठीक है। इसका आंसर को लेकर थोड़ा सा मेरे को भी कंफ्यूजन है, लेकिन इसका आंसर होना चाहिए एक और दो। आपके तीन और चार तो नहीं हो सकते, क्योंकि किसी विधेयक पर दोनों सदन के मध्य मतभेद हो, अगर किसी भी विधेयक में दोनों सदन के मध्य अगर मतभेद की कंडीशन आती है तो उस कंडीशन पे सबसे महत्वपूर्ण निर्णय किसका होगा? राज्य विधानसभा का। वैसे ही किसी आपके संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो, अगर किसी भी कंडीशन मतभेद होगा तो सर्वोपरि कौन रहेगा? वो रहेगा आपका राज्य का विधानसभा, विधान परिषद को उतना महत्व नहीं दिया जाता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आईबीए महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 के पद तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर था? तो देखिए ये जो आपका महिला मुक्केबाजी जो आपका चैंपियनशिप हुआ 2022 में, इसमें शीर्ष पर था आपका टर्की, ठीक है, शीर्ष पर था टर्की। हमारा जो आपका भारत है, भारत ने टोटल आपके 3 पदक जीते, 1 जीता गोल्ड और 2 जीते आपके ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, ब्रॉन्ज मेडल। जो 1 गोल्ड मेडल जीता गया वो जीता गया आपका निखत जरीन के द्वारा, इनका नाम याद रखिएगा, ठीक है। निखत जरीन किससे संबंधित है? आपके मुक्केबाजी से संबंधित है, बॉक्सिंग से संबंधित है, ठीक है, जिसने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ए है आपका संवेदना अभियान, ऑप्शन बी है समर्पण अभियान, ऑप्शन सी है अभिव्यक्ति अभियान, ऑप्शन डी है आपका साइबर मितान अभियान। तो किस अभियान को पुरस्कार प्रदान नहीं किया गया पूछा जा रहा है, तो ध्यान दीजिएगा इसका आंसर होगा आपका अभिव्यक्ति अभियान। पूरे भारत भर में से 29 पुलिस अधिकारियों को जो है आपका पुरस्कृत किया गया। इसमें जो आपका संवेदना अभियान है ये चलाया गया था आपके रायगढ़ में, कहाँ पर? रायगढ़ में ये अभियान चलाया गया था। समर्पण अभियान ये पूरा ओवरऑल छत्तीसगढ़ में चलाया गया था। और एक है आपका साइबर मितान अभियान ये चलाया गया था आपके बिलासपुर में, कहाँ चलाया गया था? बिलासपुर में, ठीक। यहां पर जो है आपके रायगढ़ में ये अभियान चलाए जाने के लिए आपका संतोष सिंह पुलिस अधिकारी को पुरस्कार प्रदान किया गया, जबकि साइबर मितान अभियान के लिए प्रशांत अग्रवाल जी को जो है
आपका पुरस्कार प्रदान किया गया और आपका समर्पण अभियान के लिए हिमानी खन्ना इन्हें जो है पुरस्कार प्रदान किया गया। हिमानी खन्ना, देखिए जो आपका संवेदना अभियान है ये बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाया गया था, रायगढ़ जिले में बाढ़ पीड़ितों के लिए चलाया गया था आपका समर्पण अभियान जो है ये आपके वृद्ध जन की सुरक्षा के लिए, बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए, वृद्ध जन की सुरक्षा के लिए चलाया गया अभियान था। साइबर विधान अभियान जो कि आपके साइबर सुरक्षा संबंधित जागरूकता के लिए चलाया गया अभियान था। तो इसमें जो है तीन आपके अभियान को पुरस्कार प्रदान किया गया, तीन पुलिस अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया, एक अभियान को नहीं मिला, कौन सा है वो है आपका अभिव्यक्ति अभियान। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिरत्न किससे संबंधित है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, जैन और बौद्ध दोनों धर्म और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा जो त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है ये जैन और बौद्ध दोनों संबंधित है। अगर हम बौद्ध धर्म में त्रिरत्न बोले तो वो है आपके बुद्ध, धम्म और एक है आपका संघ। ठीक है, जबकि जैन धर्म में अगर हम बोले तो जैन धर्म में है आपका सम्यक दर्शन, सम्यक चरित्र और एक है आपका सम्यक ज्ञान। तो दोनों धर्मों में आपके त्रिरत्न की अवधारणा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका विषाणु माने जाते हैं। इस क्वेश्चन को लेकर थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक जगह इसका मुझे जो आंसर मिला वो था आपका निर्जीव पदार्थ। ठीक है, विषाणु माने जाते हैं निर्जीव पदार्थ, इसका आंसर थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, इसको थोड़ा सा देख के कीजिएगा, ये जो आंसर है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। ठीक है, विषाणु माने जाते हैं क्या? निर्जीव पदार्थ। इसका आंसर हो सकता है अलग अलग जगह अलग अलग वैरी करे, लेकिन जो मैंने ढूंढा है उसका आधार पर है आपका विषाणु क्या है? निर्जीव पदार्थ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है। इसमें दो कथन दिया गया, जिस बजट में का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय और उसके सकल आय यानी कि राजस्व प्राप्ति बराबर हो, या किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। अब देखिए ध्यान दीजिएगा इसमें क्या बोल रहा है। सबसे पहली चीज तो संतुलित बजट के लिए क्या होना चाहिए कि जो सरकार का जो व्यय है यानी कि राजस्व व्यय है वो राजस्व प्राप्तियों से कम, ठीक है, राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से कम या उसके बराबर होना चाहिए। सरकार का व्यय उसके आय से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि सरकार का जो सार्वजनिक क्षेत्र का व्यय उसके सकल यानी कि राजस्व प्राप्तियों के आय के बराबर क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। अगर मान लो, और दूसरा कह रहा है अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो, राजस्व घाटा क्या होता है, राजस्व घाटा राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्ति बराबर राजस्व घाटा होता है। तो दोनों कथन का मतलब सेम है, इसका मतलब क्या होता है, राजस्व व्यय माइनस राजस्व प्राप्तियां दोनों का मतलब सेम है। यहां बराबर बोल रहा है, यहां पे शून्य, अगर दोनों बराबर होगा तो उसका मतलब क्या होगा, शून्य होगा, यानी कि यहां पर क्या है, दोनों कथन सही है। मैं बता रहा हूं ये अनुमानित आंसर है, हो सकता है कि मॉडल आंसर की चेंज हो जाए। नेक्स्ट देखिए, फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। ऑप्शन ए नोवाक जोकोविच, ऑप्शन बी राफेल नेडाल, ऑप्शन सी रोजर फेडरर, ऑप्शन डी रॉड लेवर। इसका आंसर होगा आपका राफेल नेडाल जो कि स्पेन, ठीक है, स्पेन के खिलाड़ी है, स्पेन के टेनिस खिलाड़ी है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा, ये क्वेश्चन का कोई आगे पीछे कुछ नहीं है और ये क्वेश्चन रिपीट होने की तो संभावना बिल्कुल नहीं है। पुलिस का एग्जाम था करके ये क्वेश्चन पूछा गया, शस्त्रों के संबंध में यानी कि आर्म्स, ठीक है, शस्त्रों के संबंध में कौन सा बोर सामान्य नागरिकों द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित है। यानी कि आप सभी को पता होगा कि सामान्य नागरिक यानी कि आम नागरिक भी गवर्नमेंट से अपने सुरक्षा के लिए गन को लाइसेंस पे ले सकता है, लेकिन सभी प्रकार के गन को लाइसेंस पे नहीं लिया जा सकता। देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है, इसमें बोला जा रहा है आपका बोर क्या होता है, जो बंदूक की जो नली होती है, इस बंदूक के नली का जो अंदरूनी व्यास होता है, अंदरूनी बाहरी नहीं, जो अंदरूनी व्यास होता है उसे कहा जाता है बोर, और इसका मात्रक होता है MM और कैलिबर।
ठीक है। तो इसमें बोला जा रहा है कि कौन सा बोर सामान्य नागरिकों के द्वारा उपयोग के लिए प्रतिबंधित होता है। इसमें तीन चार आपको ऑप्शन दिया गया है, तो इसका आंसर है आपका 0.38 बोर का जो आपका जो शस्त्र है यानी कि जो आपकी बंदूकें हैं वो सामान्य नागरिकों को जो है उसमें लाइसेंस नहीं दिया जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका असत्याकार्यवाद, ठीक है। असत्कार्यवाद किसका कार्य कारण सिद्धांत है? न्याय, जैन, वेदांत, सांख्य। देखिए ये सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है आपका असत्कार्यवाद, ठीक है। सांख्य दर्शन का एक सिद्धांत है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV-C53 मिशन के द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष में भेजा गया? इसका आंसर होगा आपका सिंगापुर। क्या होगा? सिंगापुर। सिंगापुर के टोटल तीन उपग्रह को जो है अंतरिक्ष में भेजा गया PSLV-C53 मिशन के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर सामाजिक कल्याण का सूचक नहीं माना जाता? अब देखिए ये भी थोड़ा सा डाउटफुल है, मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए अपराध, ठीक है। डाउटफुल, इसका आंसर थोड़ा सा जो है डाउट में है। देखिए एक्चुअली क्या है, यहाँ पे सामाजिक कल्याण की बात करिए, एक सामाजिक कल्याण के हिसाब से शिशु मृत्यु दर जो है कम होना चाहिए, महिला साक्षरता दर अधिक होना चाहिए, पीने योग्य पानी की उपलब्धता होनी चाहिए, ये इसके सूचक हो सकते हैं। इसमें अपराध को कहा गया है, अब ये अपराध आंसर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें संभावना है ये अपराध ऑप्शन लेने की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है आपका मुंडा, मुंडा जनजाति किस नस्ल से संबंधित है? इसमें है नेग्रिटो, प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड, मंगोलॉइड और आपका नॉर्डिक। देखिए इसमें जो है आपका जो मुंडा जनजाति समूह है ये प्रोटो ऑस्ट्रेलोइड इससे संबंधित है, ठीक है। इसमें एक भारत का मैप, जो आपके मंगोलॉइड है ये पूर्वोत्तर भारत में जो निवास करते हैं यानी कि जिनकी सीमा चीन से लगी होती है, ठीक है, वो आपके मंगोलॉइड से संबंधित है। अगर आप देखेंगे जो मुंडा जनजाति है ये झारखंड छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में, तो मध्य भारत वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपके प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड जनजाति जो है ये इस नस्ल से संबंधित है, जितनी भी जनजाति वो इस नस्ल से संबंधित है। जो आपके नॉर्डिक और निग्रिटो है ये दक्षिण भारत की तरफ पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका यदि, यहां पे ध्यान दीजिएगा ना, यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य से युक्त है तो क्या होगा, यानी कि मान लीजिए कोई आपके विधानसभा का अगर कोई सदस्य है वो अयोग्य है तो उस कंडीशन में क्या होगा? अध्यक्ष उस सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, सदन दो तिहाई बहुमत से उसके सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, राज्यपाल उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा, राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसके सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। इसका आंसर होगा राज्यपाल आयोग से सलाह लेकर के उसके सदन की सदस्यता के संदर्भ में निर्णय लेगा, यानी कि विधानसभा का जो आपका सदस्य होता है उस पर अगर कोई वो अयोग्य है तो उस पर निर्णय लेने का अंतिम अधिकार राज्यपाल के पास होता है और राज्यपाल निर्वाचन आयोग के सलाह पर ही अपना निर्णय ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण आयोजित किया गया था? देखिए ये आयोजित किया गया था आपका गियर्सन के द्वारा, ठीक है, जॉर्ज अब्राहम गियर्सन के द्वारा भारत का पहला भाषाई सर्वेक्षण आयोजित किया गया था, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा विलोपित हो सकता है, ध्यान दीजिएगा। छत्तीसगढ़ गोधन न्याय योजना कब लागू हुई थी? 21 जून 2020, 21 जुलाई 2020, 21 अगस्त 2020, 21 सितंबर 2020। देखिए जो छत्तीसगढ़ में जो गोधन न्याय योजना है ये लागू हुआ था आपके 20 जुलाई, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये देखिए ये, हाँ ये जो है ये प्रश्न विलोपित होगा। विलोपित क्यों होगा? यहाँ पे गोधन न्याय योजना बोल रहा है, ठीक है, गोधन न्याय योजना ये हुआ था आपके 20 जुलाई 2020 को हुआ था, ठीक है। इस दिन था आपका हरेली, क्या था? हरेली पर्व था। यहाँ पे 21 जुलाई दे दिया है तो ये क्वेश्चन विलोपित होगा, ठीक है। और ये हमारे इकोनॉमिक सर्वे, जो हमारे इकोनॉमिक सर्वे की बुक है, ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे की बुक के पेज नंबर 41 में भी इसका पूरा डिटेलिंग किया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है दल्ली राजरा लॉ आयस्क क्षेत्र का मालिक कौन है, ठीक है। इसमें बोला जा रहा है हु इज़ द ऑनर ऑफ दल्ली राजरा आयरन और रीजन।
देखिए दल्ली राजरा में जो लौह अयस्क का जो उत्खनन, ये जो है लौह अयस्क क्षेत्र का मालिक कौन है पूछा जा रहा है। इसमें ऑप्शन दिया गया है आपका RMML, MSPL, सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, दूसरा तीसरा ऑप्शन है NMDC और चौथा है भिलाई स्टील प्लांट। देखिए इसका ना दो आंसर को लेकर कन्फ्यूजन है, पहला है आपका सेल और दूसरा है आपका भिलाई स्टील प्लांट, लेकिन मेरे हिसाब से जो इसका आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए सेल, क्योंकि जो भिलाई स्टील प्लांट है वो क्या है, वो आपका सेल का ही एक यूनिट है, सेल का ही एक यूनिट है। इसमें जो आपका किसी भी क्षेत्र में यानी कि जो आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उसे एक क्षेत्र अलॉट किया जाता है और उसका यूनिट उस क्षेत्र से उत्खनन करता है, तो इसका आंसर जो है ये होना चाहिए आपका सेल यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका शुभारंभ किया गया था आपके 1 जुलाई 2022 से। ये योजना क्या है, इसमें जो है घर घर में जा करके मुफ्त पौधे वितरित किए जाते हैं ताकि लोग जो है अपने घरों में पौधों को रोपण कर सके। तो 1 जुलाई 2022 को जो है तुहर पौधा तुहर द्वार कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्राम सभा में गणपूर्ति के लिए कुल सदस्य संख्या के डैश सदस्य उपस्थित होना आवश्यक है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, 1/10 सदस्यों का होना आवश्यक है। यहां पे बात किसकी की जा रही है, यहां पे बात की जा रहा है आपके ग्राम सभा का, तो ग्राम सभा का जो कोरम है वो कितना होता है, 1/10। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका चीनी मीडिया ने नक्सलबाड़ी आंदोलन को बुलाया था, नक्सलबाड़ी जो कि आपके पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी वाले क्षेत्र से शुरू हुआ था, तो जब पश्चिम बंगाल के नक्सलबाड़ी वाले क्षेत्र में नक्सलवाद की शुरुआत हो रही थी तब जो आपकी चीनी मीडिया है, ठीक है, तब जो है चीनी मीडिया ने इस नक्सलबाड़ी आंदोलन को स्प्रिंग थंडर के नाम से इसे संबोधित किया था, स्प्रिंग थंडर ऐसे न्यूज आर्टिकल उसने शेयर किए थे। देखिए यहाँ पे जो वसंत थंडर लिखा है ना, ये बेवकूफी तरीके से इन्होंने लिखा है ये चीज, देखिए कहीं पर भी जो है वसंत थंडर, अब यहाँ स्प्रिंग के सीजन को उन्होंने बस ट्रांसलेट कर दिया बसंत, इसको हिंदी में ही मेंशन करना था, स्प्रिंग थंडर ये आर्टिकल लिखा था नक्सलबाड़ी आंदोलन के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके छत्तीसगढ़ के जनजाति आंदोलन, जो आपके जनजाति विद्रोह हुए उसके नेतृत्वकर्ता में कौन सा एक सुमेलित नहीं है पूछ रहा है, तो देखिए इसमें दिया गया है एक है आपका मेरिया विद्रोह, ये जो मेरिया विद्रोह हुआ था ये हुआ था 1842 को, कब हुआ था 1842, इसके नेतृत्वकर्ता हिड़मा मांझी सही है। तारापुर विद्रोह ये भी हुआ था आपके 1842, इसके नेतृत्वकर्ता दलगंजन सिंह सही है। लिंगागिरी विद्रोह ये किया गया था, ध्यान दीजिएगा, ये किया गया था दलगंजन सिंह के द्वारा, किसके द्वारा किया गया था, सॉरी ध्रुवाराव माड़िया के द्वारा, ये आंदोलन किया गया था आपके ध्रुवाराव माड़िया के द्वारा ये आंदोलन किया गया था। ठीक है, जबकि आपका जो लिंगा जो जबकि इसमें जो आपका नाम दिया गया नांगुल दोरला के द्वारा कौन सा विद्रोह किया गया था, कोई विद्रोह किया गया था, और जो मुड़िया विद्रोह है झाड़ा सिरा के द्वारा किया गया था। ठीक है, कोई विद्रोह 1859 कब हुआ था, 1859, जबकि जो लिंगागिरी विद्रोह है ये हुआ था 1876 में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, केवल 3। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की वीर गाथाओं पर आधारित लोक नृत्य जिसे लोक बैले, ठीक है, बैले डांस होता है एक, जिसे जो है लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पे दिया गया वीर गाथाओं, तो छत्तीसगढ़ में जो है वीर गाथाओं पर आधारित जो आपका लोक नृत्य है वो कौन सा है, वो पंडवानी, जिसे आपके लोक बैले के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है, नर्मदा जो है ये मध्य प्रदेश की एक प्रमुख नदी है और मध्य प्रदेश की सीमा से लगा हुआ जिला कौन सा है, वो है आपका राजनांदगांव, तो निम्नलिखित में से कौन सा जिला नर्मदा बेसिन का हिस्सा है पूछा जाए तो वो है आपका राजनांदगांव। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छत्तीसगढ़ के महासमुंद में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है, छत्तीसगढ़ के जो महासमुंद है वहां पर जो है आपका मौजूद है बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य। ठीक है, बारनवापारा वन्य जीव अभ्यारण्य उद्यंती आपके गरियाबंद में है, सीता यहां पे सीता नागी हो गया, ठीक है, सीता नदी होना चाहिए, सीता नदी जो कि धमतरी में है, और इंद्रावती वन्य जीव
अभ्यारण्य नहीं इंद्रावती नेशनल पार्क जो कि आपके बीजापुर में है। मिट्टी से भरा तटबंध बांध कौन सा है? मिनी माता, हसदेव बांगो, खिरखिट्टा जलाशय, मोंगरा जलाशय और मुरुमसिल्ली। तो इसका आंसर होगा आपका मुरुमसिल्ली या मोडमसिल्ली, जिसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है, इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव जलाशय, जो कि हमारे एशिया का सबसे पहला साइफन बांध है। साइफन बांध क्या है इस पर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मुरुमसिल्ली। देखिए यहाँ पे ना इंग्लिश वर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अर्थ फिल एम्बैंकमेंट, ठीक है, मिट्टी से बंधा बांध नहीं बोल रहा है, मिट्टी से बना बांध नहीं बोल रहा है, मिट्टी से भरा तटबंध बांध जो साइफन पद्धति है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है सलवा जुड़ुम। सलवा जुड़ुम की शुरुआत कब हुई थी? 2001, 1998, 2003। तो ध्यान दीजिएगा, सलवा जुड़ुम की शुरुआत हुई थी आपके इनमें से कोई नहीं यानी कि 2005 में। 2005 में आपके महेंद्र कर्मा जी के द्वारा, जिन्हें बस्तर का टाइगर भी कहा जाता है, महेंद्र कर्मा जी के द्वारा झीरम घाटी नक्सलाइट हमला में इनका ये जो है शहीद हुए थे, इनके द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। ये जो है नक्सल हिंसा के विरोध में ये शुरू किया गया आपका कार्यक्रम था सलवा जुड़ुम। कब शुरू हुआ था? 2005 में। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास, इस राज्य के नगरीय प्रशासन और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ में जो है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित 13 मंत्रियों का कैबिनेट है, ठीक है। तो उसमें जो आपके शिव कुमार डहरिया जी उनके पास जो है नगरीय प्रशासन एवं विकास और विकास एवं श्रम विभाग के मंत्री है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है सुबह की तलाश। सुबह की तलाश उपन्यास के लेखक कौन है? डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा। छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन काफ़ी बेसिक्स में आए थे, ठीक है, काफ़ी इजी क्वेश्चन थे छत्तीसगढ़ से रिलेटेड। छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत कितना है? छत्तीसगढ़ में वन भूमि का प्रतिशत, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, वन भूमि यानी कि फॉरेस्टेड लैंड की बात हो रही है यहाँ पे जो है। वन भूमि का प्रतिशत देखिए, अभी जो नया फॉरेस्ट रिपोर्ट आया आपका ISFR 2021, इसके हिसाब से जो छत्तीसगढ़ में जो वनावरण है, वनावरण यानी कि फॉरेस्ट कवर है, वो है आपका 41.21%, जबकि वन क्षेत्र यानी कि जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है, ठीक है, वन क्षेत्र रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया है वो है आपका 44.25%, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो यहाँ परसेंटेज थोड़ा सा अलग है, इसका संभावित आंसर हो सकता है 44.21%, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नक्सलवाद निम्नलिखित में से किस व्यक्ति की विचारधारा से प्रेरित था? देखिए पूरे दुनिया में जो है अलग अलग क्षेत्रों में सरकार के विरुद्ध कुछ स्थानीय स्तर के नेताओं ने जो है एक विद्रोह, एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी। अगर हम बात करें मार्क्स, ये जो मार्क्स का जो रिवॉल्यूशन है ये हुआ था आपके कहां पर? जर्मन में। ये हुआ था आपके जर्मनी में, कार्ल मार्क्स द्वारा जर्मन। लेनिन का जो विद्रोह हुआ था ये हुआ था आपके रूस में, ठीक है, रूस में, जो आपके व्लादिमीर लेनिन के द्वारा आपकी सरकार के विरुद्ध एक रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई थी। माओ तसे तुंग, ये जो है ये चीन में गवर्नमेंट के विरुद्ध इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये सभी के सभी व्यक्ति विशेष जो है ये नक्सलवाद की विचारधारा से यानी कि इन्हीं की एक आइडियोलॉजी थी। तो इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका, छत्तीसगढ़ के किस कलचुरी शासक ने तुम्मान में शासन किया? ठीक है, सॉरी, तुम्मान में शासन नहीं किया पूछ रहा है। कलिंगराज, कमलराज, पृथ्वीदेव प्रथम और रत्नदेव प्रथम, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका पृथ्वीदेव प्रथम, क्योंकि कलिंगराज क्या आता है? कमलराज क्या आता है आपका? रत्नदेव प्रथम, और रत्नदेव प्रथम के बाद आता है पृथ्वीदेव प्रथम। देखिए रत्नदेव प्रथम जिसने 1050 ईस्वी में इसने रतनपुर शहर बसाया और रतनपुर को अपना राजधानी बनाया। लेकिन अगर आप इसका टाइम पीरियड देखेंगे तो 1045 से इसका टाइम पीरियड शुरू होता है। तो 1045 से लेकर के 1050 यानी कि रतनपुर शहर बनाने तक ये 5 साल जो है ये तुम्मान में रहकर के शासन करता है, और आपके 1050 में तुम्मान के बाद ये रतनपुर शहर बसाता है और इसे अपनी राजधानी बनाता है। यानी कि यहां पे शासन करने वाला अंतिम शासक कौन था? तुम्मान में शासन करने वाला अंतिम शासक वो था आपका रत्नदेव प्रथम, और उसके बाद जो पृथ्वीदेव प्रथम है वो रत्नपुर से रहकर के शासन
शासन करता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती राज्य जो नक्सल प्रभावित नहीं है, यह क्वेश्चन थोड़ा सा या तो विलोपित हो सकता है, क्योंकि इसमें क्या बोल दिया है, सीमावर्ती राज्य, जबकि छत्तीसगढ़ की सीमा जो है यह तमिलनाडु से नहीं लगती। इसका आंसर भी होगा तमिलनाडु, क्योंकि उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र। देखिए मैक्सिमम लोग यहां पर गलती क्या करेंगे, मैक्सिमम लोगों ने इसका आंसर लिया उत्तर प्रदेश, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो तीन जिले हैं ये नक्सल प्रभावित है। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सभी के सभी नक्सल प्रभावित है, तमिलनाडु जो है ये नक्सल प्रभावित नहीं है। इसका एक ऑफिशियल लिस्ट जो है आपके वेबसाइट में भी दिया गया है, नेट में सर्च करेंगे तो पीआईबी के वेबसाइट में आपको इसका ऑफिशियल लिस्ट मिल जाएगा, उत्तर प्रदेश के तीन जिले आपके नक्सल प्रभावित है। नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिर्देशक कौन है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान पुलिस महानिर्देशक है आपके श्री अशोक जुनेजा, जो कि 11th नंबर के है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं, छत्तीसगढ़ राज्य में कितने पुलिस थाने हैं बोला जा रहा है। देखिए ये क्वेश्चन भी थोड़ा सा आपका अपडेट तो हुआ नहीं है, क्यों, क्योंकि एक गवर्नमेंट का जो छत्तीसगढ़ पुलिस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके अबाउट अस सेक्शन में दिया गया है कि 2000 यानी कि छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के बाद से लेकर के आपके 2016 जून 2016 तक की स्थिति में 428 पुलिस थाने हैं। ठीक है, ये अपडेट दिया गया है आपके छत्तीसगढ़ पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट के अबाउट अस सेक्शन में। अब 2016 अभी चल रहा है 2023, ठीक है, अगर इसका हम आंसर अगर थोड़ा सा ले तो या तो ये बढ़ करके आपका 482 भी हो सकता है और 824 भी हो सकता है। इसका मैक्सिमम पॉसिबिलिटी इसका आंसर होने का है वो है 482, क्योंकि लास्ट अपडेट 428 का दिया गया है जून 2016 तक की स्थिति में। ठीक है, लास्ट अपडेट 428 का है, तो 428 आंसर ले सकता है या 482 ले सकता है, ये मैं गवर्नमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट की बात कर रहा हूँ। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कुरुक वाद्य यंत्र है, अब देखिए कुरुक वाद्य यंत्र का बात हो रहा है, कुरुक छत्तीसगढ़ में जो है आपकी जो उराव जनजाति है, उराव जनजाति का उपनाम है कुरुक। ठीक है, इसके जो बोल रहा है वाद्य यंत्र है, इनका वाद्य यंत्र कौन सा है, आपका मांदर, करताल, नंगाड़ा, ये सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है मांदर, करताल और आपका नंगाड़ा, जो कि कुरुक उराव का वाद्य यंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच, छत्तीसगढ़ी देहाती कला मंच के संस्थापक कौन है, आप में से बहुत से लोगों को इसका डायरेक्ट आंसर पता होगा, रामचंद्र देशमुख। रामचंद्र देशमुख जी जो है ये छत्तीसगढ़ी कला मंच के संस्थापक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, छत्तीसगढ़ में कृषि उत्पादन सुनियोजित विपणन हेतु कितने कृषि उपज उपमंडी एवं मंडी है। ठीक है, ये भी हमारे इकोनॉमिक सर्वे के बुक के पेज नंबर 42 में ये दिया गया है, डब्बे में दिया गया है, 118 उपमंडी और आपके 69 मंडी है। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे के वीडियो वाले टॉपिक वीडियो में भी मैंने इसे कवर कराया था। जनजाति समूह में कुरुक, ठीक है, कुरुक में कुजुर उपनाम का अर्थ है, कुरुक का मतलब यहां पर बात हो रही है किसकी, उराव की। ठीक है, उराव में कुजुर किसे कहा जाता है, कहा जा रहा है फलों का पौधा, सजावटी पौधा, औषधि पौधा, मसालों का पौधा, इसका आंसर होगा आपके औषधि पौधे, ऐसे पौधे जिससे औषधि तेल निकाले जाते हैं उसे जो है उराव जनजाति या कुरुक के द्वारा कुजुर कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, ये क्वेश्चन और रिपीट होगा। नेक्स्ट है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस अकादमी कहाँ स्थित है। ठीक है, तो जो चंदखुरी में जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य पुलिस एकेडमी है उसका नाम परिवर्तित करके आपका नेताजी सुभाष चंद्र बोस राज्य पुलिस एकेडमी रखा गया था। ठीक है, इसको भी याद रखना, ये बेसिक करंट अफेयर क्वेश्चन है ना। किस क्षेत्र के लिए 2021 में छत्तीसगढ़ के डॉक्टर राधेश्याम बारले को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया, शिक्षा साहित्य के क्षेत्र में सामाजिक कार्य, पुरातत्व और आपका कला एवं संगीत, कला के क्षेत्र में जो है इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, डॉक्टर राधेश्याम बारले जो कि पंथी नृत्य के प्रसिद्ध कलाकार है, पंथी नृत्य जो कि सतनाम धर्म में गुरु घासीदास के चरित्र पर प्रेरित एक नृत्य है, उनके उपदेशों पर प्रेरित एक नृत्य है पंथी नृत्य। अभी 2022 का पद्म पुरस्कार जो है हमारे प्रदेश के तीन कलाकारों को प्रदान किया जा रहा है, इसे हम करंट अफेयर का भी एक दो दिन में वीडियो आएगा, उसे पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है चलिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है, फटाफट बताते जाता हूँ।
वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। अगर आप कंप्यूटर यूज करेंगे या चलिए इसका मैं डायरेक्ट आंसर बताते चलता हूँ, जो डिफॉल्ट डॉक्यूमेंट यानी कि अगर कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट एमएस वर्ड में अगर आप कोई भी फाइल सेव करते हैं तो वो डॉक के फॉर्मेट में सेव होता है, ठीक है। किसके फॉर्मेट में होता है, वो होता है आपका डॉट डीओसी के फॉर्मेट में वो सेव होता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका किसी विज्ञापन वह विज्ञान जो ऐसी मशीनों का निर्माण करने का प्रयास करता है जो उसी प्रकार की बुद्धि प्रदर्शित करती है जो मनुष्य करते हैं। आज के डेट में काफ़ी हाईलाइट में है आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट है कि आपका जब आप एक्सेल फाइल किसी वर्ड दस्तावेज में सम्मिलित करते हो तो डाटा क्या होता है, डाटा जो है वो होता है आपका लिंक, ऑप्शन सी लिंक। नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम के विषय में शिकायत दर्ज करने हेतु हेल्पलाइन नंबर है, ये क्वेश्चन होगा आपका डिलीट, ये क्वेश्चन विलोपित होगा। विलोपित क्यों होगा, क्योंकि ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो आपका 100 और 112 नंबर है ये पुलिस के लिए है, किसके लिए है, पुलिस के लिए है। यहाँ पर आपका जो ये जो नंबर है ना, इसमें ऑप्शन सी को रखने का प्रयास किया गया था, ऑप्शन डी जो है ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है। और ध्यान दीजिएगा 1930 ये जो नंबर है ये साइबर क्राइम से संबंधित शिकायत को दर्ज करने के लिए, ठीक है। और यहाँ पर हो गया 1093, तो यहाँ पर जो है इसका आंसर 1930 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका डिलीट हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका थीसोरस टूल का प्रयोग MS वर्ड में किसके लिए उपयोग में लाया जाता है, तो ये जो है पर्यायवाची और विलोम शब्द के लिए जो है ये उपयोग में लाया जाता है, सिनोनिम्स और एंटोनिम्स वर्ड के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है अब आपका हिंदी, ठीक, इसको फटाफट बताते हुए चलता हूँ। उत्कंठा का पर्यायवाची शब्द है, उत्कंठा जो है इसका पर्यायवाची शब्द होगा आपका उत्सुकता, क्या होगा, उत्सुकता। भरकस इनमें से कौन सा समास है, भरकस का आंसर होगा, भरकस जो है ये आपका अव्ययी भाव समास है। भरकस कौन सा समास है, भरकस जो है ये है आपका अव्ययी भाव। देखिए भरकस का मतलब होता है शक्ति भर से, ठीक है, पूरी शक्ति के साथ या शक्ति भर से, तो ये जो है ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपका अव्ययी भाव समास, ठीक है। निम्न शब्द में शुद्ध रूप है आपका प्रामाणिक और प्रामाणिक, तो ध्यान दीजिएगा शुद्ध रूप है आपका प्रामाणिक, ये आपका शुद्ध रूप है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका ज ज्ञ और आपका इय का उच्चारण स्थान है, यानी कि जो ज है ज्ञ ज है और ज्ञ है इसका उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, जो मुंह के जो ऊपरी हिस्सा है तालु से इसका उच्चारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कान लगाना, मुहावरे का अर्थ होगा, कान लगाने का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। उसके बाद है उनचास यानी कि यहाँ पर बात हो रही है आपके 49 की, ठीक है, उनचास का आपका तत्सम रूप होगा, तो उनचास का तत्सम रूप होगा आपका उन पंचाशत, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कंदमूल फल में कौन सा समास है, कंदमूल फल में जो है आपका द्वंद्व समास है, कौन सा समास है, द्वंद्व समास है। नेक्स्ट देखिए, पानी फेर देना मुहावरे का अर्थ होगा, पानी फेर देना मुहावरे का जो है ये सही अर्थ होगा आपका बिगाड़ देना, क्या होगा, बिगाड़ देना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपका आसान शब्द का विलोम क्या होगा, आसान शब्द का विलोम होगा आपका मुश्किल, जबकि अधिक समय तक जीने की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा वो होगा आपका जिजीविषा, ऑप्शन डी जिजीविषा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा ये हो गया पूरा कंप्लीट, हिंदी लास्ट था, ठीक। तो ये था आपके छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा की प्रारंभिक परीक्षा जो 29 जनवरी 2023 यानी कि आज संपन्न हुई है, उस परीक्षा के संभावित उत्तर, ठीक है। मैं पहले से बता रहा हूँ ये सभी के सभी उत्तर कैसे हैं, संभावित है, हो सकता है कि आने वाले समय में इसमें कुछ चेंजेस हुए, मॉडल आंसर में इसमें चेंजेस हुए, ये जो है ये जितने भी उत्तर आपको बताए गए मेरे द्वारा संभावित उत्तर बताए गए, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही।